हेलो फ्रेंड्स, मैं महावीर प्रसाद ज्ञान की गंगा में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में छिपे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंह राशियों के राशिफल के बारे में कि उनका राशिफल 2018 में कैसा जाएगा। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दिया जा रहा है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो के लास्ट में मैं इससे पहले जो चार राशियां हैं उसका डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए जानते हैं कि सिंह राशि का राशिफल 2018 में कैसा रहेगा। चाहे वो विद्यार्थी हो या व्यापारी हो या अपना गृहस्थ जीवन संभाल रहे हो, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो लोग व्यापारी हैं और कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं। अगर आप कामकाजी पुरुष या महिलाएं हैं और आप व्यापार में यकीन रखते हैं तो यही समय है आपको कुछ पैसा बचाने का, नहीं तो ये आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। लाभ का योग है, पर आपको पैसा लगाते समय जांच परख किया कीजिए। कई बार आप बिना सोचे समझे अपना पैसा गंवा चुके हैं। आप पर बृहस्पति की कृपा है तो आपको बृहस्पतिवार को व्रत रहना चाहिए। और सिंह राशियों के लिए मैं बता दूँ कि सिंह राशियों के लिए इस समय शनि की 7:30 चल रही है, तो आप शनिवार को भी थोड़ा पूजा अर्चना किया कीजिए ताकि उनकी 7:30 आपसे ख़त्म हो। अगला है प्यार जीवन। अगर आप प्यार के मोह माया में से दूर हैं तो ये वक्त बिल्कुल सही है आपके लिए, क्योंकि अगर आप इस बीच आप इस मोह के जाल में फंस गए तो आप पूरे साल निकल नहीं पाएंगे। 2018 शुरू होने से पहले तक का योग आपके लिए सही है केवल प्यार के लिए। और अगर आप शादी करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया योग नहीं है कोई। 2018 में बिल्कुल कर लीजिए, 2018 शादी के लिए बहुत ही बढ़िया योग है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए यह वर्ष बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है, मगर आप ऐसा ना कीजिएगा कि इन खुशियों के चक्कर में आप मेहनत करना छोड़ दें। आप तो जानते हैं किस्मत उसी का साथ देती है जिसमें लगन और क्षमता होती है। एक बात आप समझ लीजिए, आप इस 2018 में जितना मेहनत कर लेंगे आने वाले वक्त में आपको उतना ही फायदा होगा। 2017 आपके लिए बहुत ही बुरा गुजरा होगा। मैं समझता हूँ कि मिली नौकरी आपको नहीं मिली होगी, बहुत लोगों को नौकरी पास आते आते रह गई होगी, पर 2018 में ऐसा ना हो। आप मेहनत कीजिए, आपको नौकरी का योग 2018 में बिल्कुल बन रहा है, भगवान आपके साथ रहें। अगर आप वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस राशि के लोगों का वैवाहिक जीवन बाधा आने की समस्या है और शुरू में आपको थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ सकती है, पर उसके बाद सुखी है। आप अपने किसी खास को लेकर थोड़ी चिंता में हैं, आप खुद कभी कभी उदास हो जाते हैं जो कि ठीक नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी है तो अपने किसी चहेते से सलाह ले सकते हैं। शुभ अंक 2 है और शुभ रंग आसमानी है सिंह राशि के लिए 2018 में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग बताइए आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने सुझाव और राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और स्वस्थ रहिए।